मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम् वंदितो सावशिंधे धोवे मचले मनो बबंग दिम्पते वोक्षामी समय पाहुड़ मेरन मोसुद केवली भड़िदम तो यहाँ पर समय सार ग्रंथ चल रहा है और आचार्य देव के द्वारा ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है 415 इसमें कुल गाथाएं हैं प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है शैली इसकी आध्यात्मिक है आत्मा का सार जिसमें वर्णन दिया गया है गाथा नंबर तेरह में शुद्ध नए से जानना सम्यक्त है ये बात कही जा रही है नौ तत्व हैं जीव अजीव, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप पुण्य पाप को आश्रव के पहले लिख सकते हैं क्योंकि उन्हीं का ही आश्रव होता है तो जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रव बंद संबर निर्जरा और मोक्ष ये क्रम लिखा जा सकता है यहाँ पर क्रम कुंद कुंद ने अलग तरीके से दिया है भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपाव आसौ सम्मण निर्जर बंदो मोखो कितनों को सम्य दृष्टि होना है सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग स्टार्ट नहीं होता है प्रथम सीढ़ी है वैसे मोक्ष मार्ग को तो मैं सम्यक दर्शन को कथनचित मानेंगे कथनचित सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है लेकिन सर्वथा सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है ये तो सबको पता है मेरी ख्याल से दुनिया में जैन में कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको तत्व सूत्र का पहला सूत्र याद न हो बहुत होंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कम से कम एक सूत्र तो सब लोग याद कर लो भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बस ये मोक्ष मार्ग है तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है किसकी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग मात्र सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है वो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आप अपने कमरे में कब पहुँचोगे जब पूरी सीढ़ियाँ छोड़ दोगे सीढ़ी छोड़ने का विकल्प ही छोड़ सीढ़ी में चढ़ने का विकल्प ही छूट जाएगा तो कमरे में जाओगे और अभी सीढ़ी चढ़ने का विकल्प और सीढ़ी छोड़ने का विकल्प है तो कमरे में अभी और क्या कह रहे हैं पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन कौन सी सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की बहुत सारी सीढ़ियां हैं पर पहली सीढ़ी कौन सी है सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथमम सीढ़ी या भी ज्ञान तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है तो सीढ़ी है तो, तो भी विकल्प है अभी तो और आगे चढ़ने और आगे चढ़ना और सुनो जैसी तुम पूरी सीढ़ी समाप्त करते हो रिलैक्स होते कि नहीं होते हो आगे? और जो चीज़ छूट गई उसकी याद भी नहीं आती जो सीढ़ी छूट गई उसकी और सीढ़ी छूट गई तो कमरे का आनंद नहीं आएगा फिर वो दुख हो जाएगा हे भगवान बहुत सीढ़ियाँ थी सम्बित शिखर गए बहुत सीढ़ियाँ थी गिरनार गए वो सीढ़ी का रोना रो रहा है भगवान क्या दर्शन का आनंद नहीं ले रहा <laughs> नवीन जी महाराज जी गिर गए क्या हुआ बहुत सीढ़ियाँ थी बहुत सीढ़ियाँ थी थक गए तू बेटा सीढ़ियाँ गिन रहा था कि नैविनाथ भगवान का दर्शन का आनंद ले रहा था तो तो सीढ़ी ढोके यहां भी आ गया सुनो तो तुम्हें आत्मा का आनंद नहीं आया अभी कमरे का आनंद फिर तुम्हें नहीं आया फिर बैठ का आनंद तुम्हें नहीं आया तुम्हें किसका दुख हो रहा है सीढ़ी का एक आदमी बद्रीनाथ गया और वहां बोला अरे यहां तो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है अरे तू शुद्ध हवा लेने आया था यहाँ की पोल्यूशन याद करने आया था तो जो दिल्ली यहाँ भी याद आ रही पोल्यूशन नहीं है इतनी आदत में आ गया पोल्यूशन खाने का पीने का कि बद्रीनाथ में उसे पोल्यूशन याद आ रहा है समझ में आया ना ऐसे ही अभी तुम्हें आनंद नहीं आएगा फिर तुम गिर जाओगे राज भी ऊपर जाकर के याद आया तो गिर जाते हैं पता है आपको मुनिराज आत्मा के ध्यान में गए और थोड़ा सा उनको याद आया तो वो प्रमाद में आ जाते हैं इसलिए छठवा छठवा सातवा छठवा सातवा गुड़स्थान चलता रहता है ध्यान रखो विकल्प समाप्त करना निर्विकल्प की ओर जाना वो शुद्धोपयोग है वही मोक्ष मार्ग तीनों की एकता तीनों की एकता यदि होगी तो सातवें स्थान के ऊपर से होगी और वो निश्चय होगी वो क्या होगी निश्चय होगी सिकंजी पियो नवीन जी तो सिकंजी पीते समय क्या नींबू में दिमाग लगाना क्या मीठा में दिमाग लगाना और क्या उसमें इलायची नमक आदि में दिमाग लगाना मीठा का आना, किसका आनंद लो आ जैन सिकंजी जब हसनापुर जाते हैं तो बहुत अच्छी मिलती है तो ना जैन सिकंजी का भी याद नहीं आना और जो सिर्फ है जो सिर्फ है भैया मैं गया था ना हसनापुर तो जैन शिकंजी वहां पर दिखी थी तो वो सिकंजी में कोई फर्क भेद नहीं दही में मीठा डाला तो खटमिटा का स्वाद नहीं सिर्फ वो जो स्वाद है स्वाद है अब ये खट्टा है या मीठा है ऐसा नहीं सिर्फ स्वाद लेना है ऐसे ही सम्यक दर्शन मात्र का आनंद नहीं मां सम्यक ज्ञान का नहीं मात्र सम्यक चारित्र का नहीं तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है सुन लो भैया चौथे गुण स्थान वालों अपने आप को मोक्ष मार्गी मत समझ लेना कथनचित हो कथनचित के मतलब कथनचित ही रगना उपचार से मोक्ष मार्गी हो उपचार मतलब उपचार ही है रियल नहीं है बिल्ली को शेर बता दिया माने तो वो बिल्ली शेर नहीं हो गई सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बेटा तो शेर को नहीं जानता था तो देख ले ये बिल्ली दिखती यही शेर है ऐसे शेर है पर बिल्ली शेर ऐसा होता है पर शेर तो जब मोक्ष मार्गी कथन जो कहा तो तू मोक्ष मार्ग अपने को समझ मत लेना वहीं अटक जाना मात्र मात्र में हमारा तो काम हो गया क्या काम हो गया सुबह जाते हैं धोख लगा ले दर्शन जाप हो गया अपना काम हो गया कल्याण हो गया इसमें थोड़ी कल्याण होना भाई इतना किया सब पर इतना मात्र किया सब शब्द नहीं इतना किया आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद भव्य जीव हो धर्मांम हो तो मंदिर जाते हो एक जाप करते हो अभिषेक करते हो वाह कमाल है पर इतने मात्र में खुश नहीं कितने साल हो गए महाराज हम पचास साल से जा रहे हैं अच्छा क्या कर रहे हैं पचास साल से जाता हूँ अभिषेक करता हूँ एक माला एक पाठ एक भक्तांबर बस पचास साल से तुम्हारी दो माला नहीं हुई पचास साल से तुम्हारे अंदर त्याग नहीं पैदा हुआ पचास साल के बाद तुम सही भी नहीं बन पाए प्रतिमाधारी नहीं बन पाए मोक्ष मार्गी नहीं बन पाए तुम तो इतने में खुश तो मात्र में खुश हो जाओगे मोक्ष नहीं मिलेगा मोक्ष मार्गी बनो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग सुनो भैया जो अपने आप को मुमुक्षु मानते हैं पर नहीं है मंडल बनाने मात्र से तो मुमुक्षु नहीं हो जाते हो मुमुक्षु मंडल नहीं बनना है मुमुक्षु कमंडल बनना है बोलो है हाँ जो मुमुक्षु बनेगा उसके हाथ में कमंडल होगा और जो नाम का मुमुक्षु होगा उसका नाम मंडल होगा मंडल किसे कहते हैं पता है विधान का मंडल बनाते हो ना मांडला मंडल को मांडला बोलते हैं मंडल किसे कहते हैं गोल गोल रिंग को मंडल कहते हैं किसको कहते हैं मांडला मांडो बिल्कुल एक फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे घूमते रहो तो मंडल बना के उसी चौरासी लाख की योनी में घूमते रहो उससे बाहर सर्कल से बाहर नहीं आओगे हमने मांडला बनाया मंत्रों को उसमें रख दिया मंत्र घूमते रहे उसकी एनर्जी हमें मिले बस इसलिए हम मंडला बनाते उसकी एनर्जी बाहर ना जाए उस गोल के अंदर ही रहे ऐसे ही तुमने मुमुक्षु मंडल तो बना लिया और उसी में अटक गए और सुनो मुक्ु मंडल नहीं मुमुक् का मंडल बनो जिसमें आता भी है और चाहता भी है आता भी है और जल भरो भर भी जाएगा और मुनिराज को यदि कभी कसाय आ भी गई तो बाहर निकल भी जाएगी खाली भी हो जाएगी तुम्हारी तो गोल मंडल तुम्हारी तो कसाय मंडल में रहेगी तो इतने में तुम्हें खुश नहीं होना है मुमुक्षु मंडल नहीं मुमु कमंडल बनो और मुक्षु मंडल बन के तो तुम गोल में रहोगे अपने कूप मंडूप में रहोगे और मुमुक्षु कमंडल बनोगे तो सारे भूमंडल में रहोगे कहा रहोगे सारे भूमंडल में तुम ही रहोगे देखते नहीं हो सिद्ध भगवान सारे भूमंडल में है अरहंत भगवान सारे भूमंडल में है कोई दायरा नहीं तीन लोक के नाथ हो जाते हैं जगत के नाथ हो जाते हैं बनना है जगत नाथ किसको बनना है पत्नी के नाथ नहीं बनना हम्म पवित्र नाथ बनना अपनी आत्मा को पवित्र बनाना ये बहुत सुंदर चीज बताई जा रही है मात्र सम्यक दर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी तेरह नंबर की गाथा से लेकिन अभी मोक्ष मार्ग आगे लाएंगे चार सौ पंद्रह में जब तक तुम्हें सिद्ध न बना दें तब तो तक तो छोड़ने वाले नहीं हैं पूरे फिल्टर चलेगा क्या क्या गंदगी भरी हुई है उसको निकालने की बात चलेगी आगे से अभी तो मात्र तेरा मुख जो था विपरीत था उसे सीधा कर रहे हैं बस तुझे जाना था लाल मंदिर और तू लाल मॉल की तरफ खड़ा हुआ है सिर्फ मॉल से रास्ता का सिर्फ मुख चेंज करना था लाल मंदिर के लिए बस अभी तू खड़ा हो जा बस सूर की ओर सन्मुख हो जा बस चलना बाद में सूर तुझे बाद में मिलेंगे अभी तू पीठ करके खड़ा था सूर की तो सूर कभी मिलने वाला सूर को प्राप्त करने के लिए सूर्य को पीठ दोगे या सूर्य को मुख दोगे बताओ हुँ? यदि पीठ दोगे तो कभी सूर्य प्राप्त होने वाला नहीं, नहीं।, नहीं। है और यदि सूर्य पाना है तो सूर्य की ओर मुख करो चलने की बात की बात करेंगे ना अभी तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो डायरेक्शन चेंज करने का नाम सम्यक दर्शन है मिथ्या मान्यता को बाहर निकालने का नाम मात्र दर्शन अभी मान्यता जो थी विपरीत थी गलत थी मैं शरीर हूं मेरा शरीर है मैं घर हूं मेरा घर है मैं परिवार हूं मेरा परिवार है जो पर में एकत्व था पर में ममत्व था वो निकालना है अभी पर से नहीं निकलना अभी घर से नहीं निकलना अभी शरीर से नहीं निकलना पर दोनों में जो एकत्व था उसको स्वरूप से अलग करना है किससे अलग करना है बोलो स्वरूप से एक लीटर दूध में एक लीटर पानी मिलाया तो कितना दूध हो गया हुँ? दो लीटर हो गया तो तुम दो लीटर में बिक रहे हो इस शरीर आत्मा को दोनों को एक करके बिक रहे हो संसार में और तुम्हारी पहचान भी दोनों को एक करके की जा रही है तू तो मनुष्य है तू तो पांच इंद्री है तू तो संगी है तो मनुष्य में भी जैन है जैन में भी श्रावक तो है कितनी सारी तेरी उपाधियां दी जा रही जो कि हेतु है नहीं भैया एक लीटर दूध में एक लीटर पानी मिलाएंगे तो दूध तो एक लीटर रहेगा ना दो कैसे हो जाएगा बस इस स्वरूप को जानना कि नहीं दूध तो एक ही है और पानी भी एक है अब दोनों एक साथ रहो में कोई दिक्कत नहीं दोनों एक साथ रहो हम पानी नहीं हम कोई दिक्कत नहीं हमें भ्रम नहीं है हमें पता है ग्वाला पानी मिला के लाया बस काम करता हूँ हम जो दूध पी रहे हैं वो पानी मिला दूध पी रहे हैं इतना ज्ञान तो लाओ ना लेकिन तुम पानी को भी दूध समझ के पी रहे हो भ्रम तो कहां पर है भ्रम तो यहां पर है कि मैं पानी देख ही नहीं रहा हूं मैं पानी को भी क्या समझ रहा हूं नवीन दूध समझ रहा हूं इसका नाम मिथ्यात्व है दूध पानी एक साथ रहे कोई मिथ्यात् नहीं शरीर और आत्मा एक साथ रहे कोई मिथ्यात नहीं मैं परिवार के साथ रहूं कोई मिथ्यात्व नहीं मैं संसार के साथ रहूं कोई मिथ्यात्व नहीं मिथ्यात्व तो यह है कि संसार में एक हूं यह मिथ्यात्व है शरीर और मैं एक हूं यह मिथ्यात्व है बात समझ में आ रही ना दूध और पानी में मैंने पानी को जाना नहीं और पानी के स्वरूप को भी मैंने दूध का स्वरूप समझ लिया तो दोनों स्वरूप क्या कर लिया एक हो गया ये दूध है बस मेरा भ्रम इसमें है मेरा भ्रम कोई निकाले भाई अच्छा अब इसमें भी देखो ममता जी कोई कहे दीदी ये दूध में पानी मिला है, है तू तो क्या पागल है मैं तो रोज पीती हूं कैसे पानी है दीदी हम बता रहे है, पानी है तो मान लो हमारी बात नहीं 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 माने तो और मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि को सही बात रुश्ती नहीं है लेकिन यदि कोई प्रमाणिक व्यक्ति ने तुमको बताया अभी तो नौकरानी बता रही तो क्यों मानेंगे हम और महाराज जी बताएं ममता दो पानी है अच्छा महाराज जी पानी है वो आप कह रहे तो सत्य है आप झूठ नहीं बोल सकते हो ये पानी ओहो जिस समय मेरी इतनी बात सुनते तो मैं सम्यक दर्शन हो गया क्या हो गया सम्यक दर्शन हो गया समय चारित नहीं हुआ समय चारित तब होगा जब दूध को उठा करके किसी बर्तन में रख करके गैस के ऊपर रख दोगे और जब वो दूध गर्म होगा जब दूध गर्म होगा तो पानी क्या हो जाएगा और जब प्योर दूध बचेगा तब तुम्हें सम्यक चारित होगा तपस्या से त्याग से साधना से तपना पड़ेगा जपना पड़ेगा आई बात समझ में तुम्हें गुरु की वाणी मात्र से तुम्हें समय दर्शन हो गया प्रभु की वाणी मात्र से समय दर्शन हो गया अहो ऐसा ही मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा ही मेरे आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति मौजूद है मैं शरीर नाक कान में नहीं हूं इसका ज्ञान प्रभु ने कराया गुरु ने कराया ये सत्य है ये झूठ नहीं बोलते हैं सर्वज्ञ हैं ओहो ऐसा ही स्वरूप है ऐसा श्रद्धान करने मात्र समय दर्शन हो गया तुम्हारी उनकी वाणी को स्वीकृति करने मात्र से सम्य दर्शन हो गया और अब उस समय दर्शन का आनंद लेना है तो मार्ग बताया है बड़ो अनुव्रत महाभ्रत त्याग तपस्या साधना धर्म दस धर्म बारह परिचय गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा इन सब का, अब आप काम करो तो आपको जो चीज बताई गई थी उसका अनुभव होगा क्या होगा अभी तो आगम हुआ था अनुभव नहीं हुआ था अभी तो आगम हुआ था अनुभव नहीं हुआ था और जैसे अनुभव होगा तो आनंद आएगा और जैसे आनंद आएगा तुम तो परमानंद हो जाओगे परमात्मा हो जाओगे पंच परमिष्टि भगवान हो जाओगे आई कुछ बात समझ में कितनी सुंदर बात है हाँ जिसको एक बार भी सम्य समय ज्ञान हो गया उसका मोक्ष होगा लेकिन कितने काल में होगा ये पता नहीं और सम्यक चारित हो गया तो साक्षात तभी मोक्ष जा सकता है तो इसलिए सम्यक चारित तो सम्यक चारित तो चाहिए चाहिए ना टाइम फिक्स तुम करोगे टाइम फिक्स तुम करोगे तुम्हें संबीत शिखर जाना है तो सोचने माते सम्बी शिखर नहीं चाहोगे टाइम फिक्स तुम करो टिकट करा लो बस क्या करा लो टिकट करा लो भले तुम एक महीने की कराओ दस महीने की कराओ एक साल भर की कराओ पर करागा टिकट कौन कराएगा टिकट कराने का मतलब है अब तुम टिकट का आनंद तो बाद में आएगा पर टिकट हो जाने का आनंद अभी से प्रारंभ हो जाएगा सीट में बैठने का आनंद तो बाद में आएगा ही आएगा लेकिन रिलैक्स था तो एक साल पहले से आना प्रारंभ हो गई ना जब टिकट होगी तुम्हारी ओ मैं तो निश्चिंत हो गया भाई सुनो जब मुनि बन जाओगे तो निश्चिंत हो जाओगे मेरा मोक्ष मार्ग तो पक्का टिकट हो गई नवीन बनो मुनि बने टिकट फाइनल अब किसकी चिंता मोक्ष की क्योंकि अब तो मोक्ष अब तो मोक्ष मार्ग में चले हैं तो मोक्ष मार्ग तो, तो टिकट फाइनल हो गई सुनो so no, पंचम काल में टिकट कराने आए हम और हमारी टिकट की सीट जो मिलेगी वो चौथे काल में मिलेगी बेटिंग रिजर्वेशन करा लो और ये भी ध्यान रखना कौन से लोकल में कराना राजधानी में कराना वंदे मात्र में कराना किस में कराना है देख लो ठीक है ना हाँ जल्दी वाला कौन सा करना है तो मुनि बनकर के जल्दी वाला करना तो मुनि वाला कर लो तीर्थंकर वाले में थोड़ा तो बेटिंग है तीर्थंकर वाला कराओगे तो उसमें क्या है थोड़ा बेटिंग है हमें तीर्थंकर नहीं बनना हमें तो मुनि बन के मोक्ष जाना सीधे डायरेक्ट आदिनाथ केवल ज्ञान के बाद उपदेश में लगे रहे यहाँ तो बाहुबली ऊपर चले गए बोले हमें बढ़िया रहे मुनि बने और सीधे मोक्ष अनंतवीर मोक्ष बेटे पहले मोक्ष चले गए और तीर्थंकर बाद में गए क्योंकि तीर्थंकर को अपना काम करना पड़ेगा हमें नहीं बनना हमें तो सीधे अरहंत तो बनना सिद्ध बनना है माता जी तो कौन सी टिकट कराना था देख लो भैया एक सीटर वाली दो सीटर वाली और कौन सी थर्ड थर्ड सीटर कौन सी होते तत्काल में भरोसा मत करो ये बात कितनी गजब की बात महाराज ने कही कुछ लोग बोलते हैं तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तत्काल में किन्नी किनियों का लक होता है भरत चक्रवर्ती जैसे कपड़ा उतारे और सीधे सबको तत्काल अरे हजारों लोग लगे हुए तत्काल के लिए एक ही टिकट है तो क्या करोगे मिलेगा तो है परिणाम तो किसी एक ही हो पाएंगे उत्कृष्ट ऐसे हर किसी के तो नहीं हो पाएंगे ना तो तत्काल के भरोसे में मत रहना नवीन हाँ सब फारिक होकर के अपने टिकट तो अभी करा लें काल टिकट काउंटर है मोक्ष मार्ग मोक्ष का इसमें मोक्ष नहीं मिलेगा पर मोक्ष की टिकट मिलेगी हम निश्चित करने वाले हैं हमारा कोई भविष्य कोई निश्चित करने वाला कोई परमात्मा नहीं है कोई ईश्वर नहीं है कोई कर्म नहीं है हम ही अपना भविष्य स्वयं निश्चित करेंगे हम ही भविष्य के गाता है हमसे बड़ा जो साचार और दुनिया में कौन हो सकता है हम ही डिसाइड करेंगे कि हमें नरक जाना है या तिरंज जाना है या नारकी बनना है या देव बनना है या मोक्ष जाना है हमारे अलावा हमारा भविष्य कोई परमात्मा डिसाइड नहीं करेगा यह है जैन धर्म का सच्चा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ये जैन धर्म का है इससे बड़ा स्वतंत्रता दुनिया में और क्या होगी और इस स्वतंत्रता को जो स्वीकार कर लेता है उसका नाम सम्यक दर्शन और इस स्वतंत्रता का जो अनुभव ज्ञान कर लेता है उसका नाम सम्यक ज्ञान और इस स्वतंत्रता का जो अनुभव कर लेता है उसका नाम सम्य चारे उसका नाम क्या है कोई व्यक्ति जेल में हो प्रभात जेल में हो ठीक है ना और जेल में है और उसको पांच दिन पहले पता चल जाए कि अब तुम्हारी बेल हो गई तुम्हारी बेल हो गई है और अभी पर पांच दिन बाद छुट्टी मिलेगी तो बोलो अब वो स्वतंत्र है कि परतंत्र है बस यही सम्बन समाचार लाना बस ध्यान रखना अब स्वतंत्र है कि परतंत्र ओहो श्रद्धा से स्वतंत्र हो गया किससे मैं जेल में नहीं हूं किससे हुआ स्वतंत्र नवीन माता जी किससे स्वतंत्र हुआ वो मन मतलब श्रद्धा अरे श्रद्धा से हुआ है मन से नहीं श्रद्धा से हुआ है क्योंकि जजमेंट किसने दिया है सड़क आदमी ने नहीं दिया जज ने दिया है सुप्रीम ने दिया है सुप्रीम जजमेंट है झूठा जजमेंट नहीं है क्योंकि कोई और बोलता कि वो नौकर आके बोलता सर आपकी बेल हो गई हम नहीं मानते लिख के कि किसने दिया जज व्यक्ति प्रमाणिक है उस व्यक्ति की बात को तुमने कागज में पढ़ा उसकी सुना ओहो जज साहब ने दिया इसका मतलब हंड्रेड भगवान महावीर की वाणी है तू परवान है तू शरीर नहीं है जजमेंट हो गया सम्य दर्शन हो गया स्वतंत्र हो गए श्रद्धा से स्वतंत्र हो गए सोचो श्रद्धा का आनंद उसे कितना आ रहा है बताओ बोलो अब जैसे वो रहता था वो ऐसा वहां रहेगा पांच दिन जैसे मुंह लटकाए दुखी परेशान हैरान रहता था क्या वो ऐसा रहेगा बताओ सच बताओ पांच दिन उसके इतने आनंद के दिन है जितने बाहर के होंगे लेकिन अभी बाहर का आनंद अभी प्रकट नहीं हो रहा उससे भी लाख गुना अनंत गुना आनंद अभी है पर ये भी आनंद कुछ कम सम्यक दर्शन में पचहत्तर परसेंट तुम सुखी हो जाते पच्चीस परसेंट का, का काम रह गया सम्य चारित्र में बस कोई कोई बड़ा काम नहीं रह गया उस जेल में रहते हुए भी बेल का जैसे सुना जजमेंट देखा और आपने अपने सामने देख लिया सुनने में भी विश्वास नहीं किया ज्ञान में सम्यक ज्ञान में विश्वास किया देखो ये ये राइट ये सही लिखा है अब खुश सुनो वो स्वतंत्र हो गया क्या हो गया श्रद्धा का आनंद श्रद्धा से स्वतंत्र होना सम्यक दर्शन है और जैसी जिस दिन वो गेट से बाहर आया अब बोलो भैया अब कैसे हुआ नवीन तुमने कपड़े धोबी को दिए और भूल से वो कपड़े पड़ोसी के पास चले गए और उसके कपड़े तुम्हारे पास आ गए खुदा ना खासता दोनों कपड़े एक से थे एक से थे और तुमने उसको पहन लिया सूट बूट बढ़िया पहन लिया पार्टी में जाना था धोबी भागते हुए आया सर रुको क्या हुआ गलती हो गई साहेब क्या गलती हो गई ये जो कपड़े है ना ये आपके ये आपके नहीं हैं ये पड़ोसी के हैं तो अब आप अपने कपड़े की पहचान करोगे नहीं करोगे क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी चीज़ की पहचान लक्षण से उसकी पहचान करोगे करोगे ना हाँ यहाँ पर धागा था हाँ ये दिख रहा अरे ये तो मेरा कपड़ा है तो ठीक है ना उस लक्षण से अपने कपड़े की क्या किया आपने पहचान कर ली और तुम रास्ते में थे हो कहाँ जा रहे थे पार्टी में थे तो बोलो वही कपड़ा उतार के दोगे क्या या कपड़ा उतर चुका है, है? कपड़ा पहने पहने कपड़ा उतर चुका है ओहो ये मेरा नहीं है लक्षण को पहचान जैसी पहचान हुई ममता वो कपड़ा तो उतर गया तो वो उतारना नहीं पड़ा वो उतर चुका है किससे उतरा है श्रद्धा किस से किससे उतरा है इसका नाम सम्यक दर्शन कितना सरल सम्यक दर्शन कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं आत्मा और सरणी इतनी श्रद्धा करने का नाम बच क्या हुआ समय दर्शन हो गया तो कपड़ा उतर चुका है पर अभी नहीं दोगे भाई साहब थोड़ा सा समय दो महाराज जी थोड़ा सा समय दो महाराज जी बनूंगा थोड़ा सा समय दो घर छोड़ूँगा थोड़ा सा समय दो चारित धारण करूँगा बस थोड़ा सा समय ये ये हो जाए ये हो जाए भाई साहब अभी पार्टी कराऊं जाना जल्दी है पर जैसे ही तुरंत सुनो तुम पार्टी में भी हो खूब नाच गाने भी गा रहे हो पर ये बात पक्का हो गई है कि ये और कोई धोखे से पूछ ले भाई साहब ये तो कपड़ा बहुत अच्छा है अब उसे क्या बताएं उसे क्या बताएं कि ये तो लेकिन तुम बोलोगे जरूर भाई साहब मेरा नहीं है अरे क्या से बात कर रहे हो अब ज्यादा गहराई में मत जाओ और जैसे घर उत गए और कपड़ा उतारा और जो आनंद आया तो कपड़े उतारने का कितना बड़ा आनंद है पता है ग्रंथ से निर्गंथ की यात्रा करी तो कितना बड़ा आनंद है राग से विराग की ओर गए तो कितना बड़ा आनंद है यही सम्य थे मोक्ष मार्ग तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर भूतार्थ से जाने गए नौ तत्व को सम्यक दर्शन कह रहे हैं यहाँ सम्यक दर्शन से प्रथम सीढ़ी से तुम्हारी यात्रा प्रारंभ करेंगे आज समय हो चुका है शेष से कल करेंगे जाये लो का लो शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो जनवाणी तो जो तेरी धरे शो पावे नौ बार नमोकार मंत्र सबका कल्याण हो कार्यक्रम पाठशाला के पुण्य थे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोधी कॉलोनी दिल्ली